दोहर सांसदों ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा भगवंत मान को पहले भेजे नशा मुक्ति केंद्र, फिर दी जाए संसद में आने की अनुमति। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा दोगली राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। आशीष खेतान ने अदालत को गुमराह कर भेजा झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट, कहा नाम खेतान और काम शैतान वाले। गांव चकमोचनवाला में संगत दर्शन के दौरान बोले सुखबीर सिंह बादल, कहा पंजाब ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन विंग के गठन से लोगों को मिलेगा फायदा। आईपैक ने शुरू किया ऑनलाइन मुकाबला, फेसबुक पर शुरू हुई पंजाब द कैप्टन प्रतियोगिता। आज से हो सकता है आपकी पहली लिस्ट का ऐलान, इस मामले पर पंजाब प्रभारी संजय सिंह आज करेंगे बैठक। हरसिमरत कौर ने कहा 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करेगी केंद्र सरकार, 6 मेगा फूड पार्क बनाने के लिए 5 निवेशकों से मंगवाए प्रस्ताव। पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग को लेकर सीपीएफ कर्मचारी यूनियन आज करेगी पंजाब में मंत्रियों के घर के आगे भूख हड़ताल। सीएम प्रकाश सिंह बादल को हल्के बुखार के कारण डॉक्टरों ने दी 3 दिन तक आराम करने की सलाह। कपूरथला के सुखजीत मंदबुद्धि आश्रम में घटना, पूरी छोले खाने के बाद हुई 2 बच्चों की मौत। कार से टक्कर मारने वाली लड़की ने दिया बड़ा बयान, कहा पहली बार पी थी बियर, नशे में घर जाते वक्त हो गया हादसा। तरनतारन के साथ लगती सीमा पर पकड़ी गई 75 करोड़ की हेरोइन, बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद भागे पाकिस्तानी तस्कर। शिवज्योति पब्लिक स्कूल की वेबसाइट हुई हैक, हैकर ने मंगवाए फिलीपींस के बैंक से $3,000, ईमेल के जरिए कर रहे थे मैसेज। दिल्ली पुलिस ने 20 करोड़ की ड्रग जब्त कर 8 लोगों को किया गिरफ्तार, हाई प्रोफाइल पार्टियों में खुलकर होता था इस्तेमाल। 12 साल बाद कांची में पहुंची सोनिया, रोड शो में हुई बीमार, एयर एम्बुलेंस से पहुंचाया दिल्ली, मोदी ने की सोनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना। ममता सरकार के कैबिनेट का फैसला, बंगाल से हटेगा वेस्ट, अब बाकी भाषाओं में बांग्ला या बांगो और अंग्रेजी में बंगाल होगा राज्य का नाम। राहुल ने कहा आनंदी बैन को बलि का बकरा बनाकर नहीं बचेगी भाजपा सरकार, गुजरात के जलने के लिए है मोदी का 13 साल का शासन जिम्मेदार। मनोमीत सांसद और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम ने राज्यसभा में उठाया खुराक न मिलने का सवाल, कहा ओलंपिक के वक्त ही क्यों मिलती है अच्छी खुराक। पीएम मोदी ने की नरसिंह यादव की हौसला अफजाई, कहा ओलंपिक में बिना तनाव करो देश का नाम रोशन। 2 अगस्त को अमेरिका में दूसरा T20 मैच खेलेगी भारत वेस्टइंडीज, युवा क्रिकेटरों के कायल हुए कपिल देव, कहा युवा तुर्कों ने दिखाया दम।